हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, टाइम हो चुका है 10:30 PM और मेरी बेटी परी सो गई है और मैं अब स्टडी करने बैठ गई हूँ। गाइस, पढ़ने का रात में ही समय मिल पाता है, दिन में तो नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि तो घर के काम और कुछ परी अपने अब साथ लगाए रखती है, तो इस वजह से दिन में कोई पढ़ाई नहीं होती है। मन करता है कि मैं दिन में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ, लेकिन जाकर भी नहीं कर पाती हूँ। और रात में ही पढ़ाई होगी जो भी होगी। और कभी कभी मैं डिमोटिवेट भी फील करती हूँ, क्या इतनी कछुए की चाल चलेंगे तो कैसे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा हाफ सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, मेरे नोट्स नहीं बने हैं, अभी हाफ बाकी है, तो ऐसे कैसे कंप्लीट होगा, इतनी स्लो स्लो करूँगी तो मैं। लेकिन क्या करें, जब टाइम ही नहीं मिल पाता है, फिर मैं सोचती हूँ कि कछुए की चाल से ही कछुए खरगोशी कहानी तो आपने सुनी होगी कि बार उस कहानी में कछुआ स्लो स्लो चलता है, उसके बाद भी वह जीत जाता है। मैं सोचती हूँ इसी कहानी से अपने आप को मोटिवेट फील कर लेती हूँ कि चलो शायद मेरा वैकेंसी आने से पहले पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं और अच्छा कर पाऊँ उसमें, और देखते हैं क्या होता है आगे। और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं कभी कभी अपने आप को डिमोटिवेट फील करती हूँ तो मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ। कुछ चैनल मैंने ऐसे सब्सक्राइब किए हुए हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसके बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ, और जिससे आप लोग भी आपको भी मोटिवेशन मिले तो कुछ लाइंस मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ अपनी वीडियो में, और जिससे भी आपको भी मोटिवेशन मिले। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लाइफ में जब कुछ करना है तो चाहे कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, सब कुछ भूल के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ता है। मैं चाहकर भी दिन में पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ और अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करती हूँ। अब मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। कहते हैं बिना राते जागे नसीब नहीं जागता, तो क्या हुआ अगर हम रात में कुछ दिन जाग लेते हैं, तो क्या हुआ, तो हम अपने आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने हमें जो गोल अचीव करना है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ रातें में जागना पड़ रहा है तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हाँ, हम रात जाग के हमने पढ़ाई की थी और आज हम इस मुकाम पे हैं। तो बस ये सब सोच के दिमाग में चलता रहता है कि बस पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, आगे जाना है। पता है आपको सक्सेस की सबसे खास बात क्या है? जो ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिर दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं जिन मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। फ्रेंड्स, पढ़ना का भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह दूसरों से ज़्यादा नॉलेज देती है, आपको सफल बनाती है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लच्छे से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलती रहूंगी, गिरकर फिर से उठूंगी और चलती रहूंगी। ना थके पैर और ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। फ्रेंड्स, जैसा आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज मैंने कुछ लेडीज जो हाउस वाइफ हैं देखा है, वो सोचती है कि हम हाउस वाइफ हैं, घर के काम करते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हम अपने लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते, हम केवल घर के ही काम कर सकते हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें केवल घर संभालना है। लेकिन ये सोच आपकी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि गाइज अगर आप कुछ सोचोगे अपनी लाइफ के लिए, कुछ अलग नया सोचोगे, तो तभी तो आप कुछ करोगे। जब आप लोग सोचना ही नहीं चाहोगे कि हमें अपनी लाइफ में और कुछ करना है नहीं करना है, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? ये सोच की बात होती है। कोई अच्छा सोचता है, तो किसी की सोच बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। वो सोचता है कि हमें तो घर के काम करने हैं, बाहर निकल के क्या करना है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए, ब्रॉड बनाइए, तभी आप लाइफ में कुछ नया कर सकती हैं। नहीं तो बाकी हाउस वाइफ की तरह आप भी वो डेली उठना, खाना बनाना, पोछा झाड़ू ये सब करना, ये तो सब लोग करते ही हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आपको एक अलग सोच बनानी पड़ेगी अपने लिए, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि गाइस अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि किसी को किसी की नहीं पड़ी है आजकल इस दुनिया में। क्योंकि आजकल लोग केवल अपने मतलब से बात करते हैं, आप सबने देखा ही होगा, सब लोग केवल अपने मतलब में लगे पड़े हुए हैं। अगर मतलब होगा तो बात करेंगे, नहीं तो वो बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इन फालतू लोगों की बातों में आकर अपना टाइम वेस्ट ना करिए और अपनी एक पॉजिटिव सोच बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए और अपने लिए कुछ नया सोचिए। हाउस वाइफ बन के लिए अपनी लाइफ मत काटिए, अपने लिए कुछ नया सोचिए, कुछ करने का जज्बा रखिए अपने लिए। कि अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपने अपने रास्ते खुद तय करने हैं, खुद बनाने हैं और खुद ही आगे बढ़ना है। तो आप अगर आपने ठान लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, आपको किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले आपको अपनी सोच बनानी पड़ेगी, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके सोचने के लिए। और खुद को कभी भी किसी से कम मत समझिए कि हाँ वो हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो हम उससे कम है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचने वाली बातें होती हैं और अपने आप को ये हमारे लिए एक बैरियर होते हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने से रोकती हैं। इसलिए किसी से कम मत समझिए अपने आप को, बल्कि ज़्यादा ही समझिए कि हाँ कि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, बस एक कमी है अपनी सोच की। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।